हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त खुरजीता। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से गोकू और कैकेरॉट की शानदार लड़ाई चल रही होती है, और उधर दूसरी तरफ वेजिटा और परफेक्ट वेजिटा की शानदार लड़ाई चल रही होती है कि तभी अंत में एकदम से कैकेरॉट अपना आपा खो देता है। और अचानक से जैसे ही गोकू कैकेरॉट को खत्म करने वाला होता है, गोकू को कोई रोक लेता है, और वो और कोई नहीं ब्लैक फ्रीजा होता है। तो ब्लैक फ्रीजा वहां पर क्यों आया है? क्या वो कैकेरॉट को बचाने आया है, या वो गोकू और कैकेरॉट दोनों से लड़ने आया है? चलिए जानते हैं। तो ब्लैक फ्रीजा के वहां आने के बाद दो चीजें तो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। पहली कि गोकू अब कैकेरॉट को खत्म नहीं कर पाएगा और ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है, और दूसरी कि अगर ब्लैक फ्रीजा कैकेरॉट की मदद करने आया है तो शायद कॉस्मिक गोकू इस लड़ाई में थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन हमें ब्लैक फ्रीजा की ताकत का भी पूरा अंदाजा नहीं है कि वो कितना ताकतवर है और कितना नहीं। और अगर ऐसा हुआ कि ब्लैक फ्रीजा और कैकेरॉट दोनों गोकू से लड़े, तो शायद हो सकता है कि कॉस्मिक गोकू अपनी पूरी ताकत दिखाए और उधर वो दोनों अपनी पूरी ताकत दिखाएं, लेकिन ये बताना मुश्किल होगा कि अंत में कौन जीतेगा। और अगर गोकू हार गया तो क्या होगा? क्या गोकू टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा या और कुछ ऐसी चीजें? और उधर वेजिटा अपने ही परफेक्ट वेजिटा रूप से लड़ता है, और वो दोनों आखिरी में बीम अटैक करने वाले होते हैं। इस बीम अटैक का अंजाम भी क्या होने वाला है और क्या नहीं, ये भी वेजिटा की तकदीर को बदल कर रख देगा। और अगर मैं आप लोगों को थोड़े से स्पॉयलर्स दूं, तो आगे के जो चैप्टर्स में चीजें होने वाली हैं वो बहुत ही खतरनाक और आपको शॉक करके रख देंगी कि क्या से क्या हो चुका है। और कायदे से पूरा चैप्टर आज आ जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिनकी वजह से चीजें पूरी तरीके से नहीं हो पाती हैं, और इसी वजह से ये चैप्टर लेट है। और इस बार मेरी दिक्कत की वजह से तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको कहूंगा कि पर्सनल इशू ही है कि ये चैप्टर इस बार अपलोड नहीं हो पा रहा है। और मुझे पता है कि आप लोग बड़े ही मन से इस चैप्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार इस चैप्टर के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इतना बेहतरीन होने वाला है। और आप लोग कह रहे हो कि रिस्पॉन्स कम हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों का प्यार बहुत बढ़ के आ रहा है, और मुझे मेरी तरफ से लगता है कि पूरा रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है जितना आना चाहिए, क्योंकि जो इस मांगा के दीवाने हैं वो इसकी तरफ खींचे चले आ ही जाते हैं। और आपको पता है कि एक से दो हफ्ते, कभी एक हफ्ता कभी दो हफ्ता इनके चैप्टर में लग ही जाते हैं, जिसको कम करने की मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चीजें थोड़ी सी हर बार चेंज हो जाती हैं, हालातों में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको पता है आपका भाई क्रिजिटा आपके लिए बिल्कुल ऐसा कर रहा है, और मुझे पता है आप मेरे साथ रहेंगे, इतना आप भी समझ सकते हैं। तो बाकी अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। मैं चाहता था कि आपको हाफ स्टोरी ही इस चैप्टर के थ्रू बता दूं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि दिक्कत हो गई थी, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस मैं इतना ही बताऊंगा कि ये चैप्टर आग होने वाला है और जल्द ही आप लोगों के बीच आने वाला है, और इसके स्पॉयलर्स भी मेरे सोशल्स पर आने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो मुझे सोशल्स पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार स्पॉयलर्स भी होंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का संडे मज़ेदार जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामयाब रहिए।